अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और हम यहाँ पर मौजूद हैं शाह साहब के बहुत ही खूबसूरत क्लिनिक में, जो कि एक स्टूडियो नुमा क्लिनिक है, जहाँ पर हम बहुत ही ज़बरदस्त सी हर्ब तमाम खुशबुएं सूंघ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है तमाम हर्ब्स का। और आज की वीडियो में हम क्या जानने जा रहे हैं, बहुत सारी खवातीन, मर्द हजरात, बच्चे, हर कोई आजकल टेंशन स्ट्रेस एक तरफ, पानी का प्रॉब्लम एक तरफ, और बहुत सारी चीजों को मिलाकर जो हमारे साथ प्रॉब्लम होता है वो होता है हेयर फॉल का, रफ हेयर, हेयर फॉल, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हेयर की हो रही होती हैं, जो कि किसी भी शैम्पू से एक बहुत सारी चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन नहीं सॉर्ट आउट हो रहा। तो हमने शाह साहब को कहा कि प्लीज आप हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ हैं शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज शाह साहब हम बैठते हैं, जरा बताइए ये बालों का क्या इशू है इतना? बाल बहुत ज्यादा लोगों के गिर रहे हैं, एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। बाद लोगों को मुख्तलिफ अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, या बाद लोग माजी में कोरोना से गुजरे हैं तो बाल गिर रहे होते हैं, किसी भी बीमारी के बाद बाल गिर रहे होते हैं। बाद लोगों को पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से बाल गिरते हैं, बाद लोगों को हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं जिससे जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं, और ऐसी सूरत में जैसे डायबिटीज हुआ उनके भी बाल गिर रहे होते हैं। तो ये नाक बंद हो, गले में रेशा आता हो उसकी वजह से बाल गिरते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो उसकी वजह से बाल गिरते हैं, थायराइड ग्लैंड्स हो उसकी वजह से बाल गिरते हैं, ये कई रीजंस होती हैं। और आम तौर पे मौसम की इन्वायरमेंट बाद लोगों को बाल गिर रहे होते हैं, तो ये जो आम तौर पे किसी भी वजह से अगर आपके बाल गिर रहे हो, आज एक ऐसी रेमेडी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। आपके बाल जैसे गिर रहे हो, फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, और चोड़ी मांग निकल रही हो, दो मुंह के बाल हो रहे हो, या सर में खुश्की की एक परत सी जम गई हो, खुश्की बहुत ज्यादा आ रही हो, उसको भी दूर करेगी। बाल घिरना, झड़ना, ये चीजें भी दूर होंगी, और आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं और घना कर सकते हैं। कैसे है लेकिन? बिल्कुल, उसके लिए हमने लेना है एक ऐसा बॉल, ये है त्रोगन तुख्मे हिना, यानी मेहंदी के बीजों का तेल, ये आप लेंगे आधा पाव 120 ml, और ये है रोगन पखान बेद। पखान बेद एक लकड़ियां आती हैं, ये उसका ऑयल है, किसी भी पंसारी के पास मिल जाती है, ये भी हम लेंगे 120 ml, यानी आधा पाव, यानी सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी लेनी है आपने। ये 12 बीजों का तेल है, रोगन है 12 तुखम कहते हैं इसे, ये कहीं से भी लें आप, कोशिश कीजिएगा उनको 2 पैसे ज्यादा दीजिएगा और चीज ओरिजिनल लीजिएगा। इसका वजन भी आधा पाव है, 120 ml। ये है रोगन अक्सीरे जुल्फ दराज, इसका वजन लेंगे 30 ml, 30 ml। अच्छा, ये कम आया है, ये कम आया है, बाकी जी हाँ, बाकी ये है रोगन कलौंजी, ये भी है 30 ml, 30 ml, और ये है रोगन कद्दू, कद्दू के बीजों का तेल होता है ये भी हम लेंगे 30 ml, 30 ml, और ये है रोगन अक्सीर जुल्फ, ये भी 30 ml, 30 ml। ये तमाम तेल आपने मिक्स किए, इसमें हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच छड़ीला बूटी, और 1 चाय वाला चम्मच हम सुरमा डालेंगे जो आंखों में लगाते हैं, और इसमें बालछड़ तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, इन तमाम को डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और फिर उसके बाद इसे छान के बोतल में भर लें, जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, ऐसे ऐसे करके लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जड़ों में लगाएं, बाकी बालों पर ये खुद आ जाएगा। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के आप देखिएगा, पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना, झड़ना, ये सब दूर हो जाएगा। उसके बाद घने होना, रीग्रोथ होना ये शुरू हो जाएगी, बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, बाल पतले हो, मोटे हो जाएंगे, दो मुंह हो रहे हो, फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, सब दूर हो जाएगी, तेजी से ग्रोथ करेंगे, जैसे गर्दन तक है तो कमर तक आ जाएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आ जाएंगे, हिप्स तक है तो घुटनों तक आ जाएंगे बाल आपके, आस्ते आस्ते आएंगे। तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट इंशाल्लाह, और ये 5 साल से लेकर 70 साल वालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, क्या इसकी एज की कोई कैद नहीं है, 5 साल से लेकर 70 साल वालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां ये यूज कर रही हैं और उनके बाल घुटनों से भी नीचे तक हैं। वाह माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब ये बताइए कि ये कहाँ मिलेंगे ऑयल सारे? ये तमाम ऑयल्स मैं भी भिजवा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी, इसके अलावा हर पंसारी की दुकान पे भी मिल जाते हैं, उनसे कहिएगा कि 2 पैसे ज्यादा ले लो मगर चीज ओरिजिनल दे दो। ओके अच्छा, कुछ ओरिजिनल की कोई पहचान, कोई चीज प्रॉब्लम होती है? बाद लोग पकवान तेल पे कलर लगा के दे देते हैं, कहते हैं ये वही है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुकानदारों को भी सोचना चाहिए, कम खाएं अच्छा खाएं।
अच्छा, तो पहचान कुछ खास है नहीं? पहचान इसमें ऑयल्स की क्या पहचान निकालेंगे? यही तो मैं ये तो कंपनीज की पैक्स भी आती हैं, इसके अलावा जो है जो हमने आपको दी हम तो चेक करके लेते हैं ना। आपको तो ऑब्वियसली वो भी होगा मालूम कि जी इसकी खुशबू ऐसी है वैसी है, कुछ गाढ़े तेल हैं कुछ पतले तेल हैं इसमें, सही। तो इसलिए इसका रिजल्ट आप देखिएगा, रिजल्ट जब आता है ना तो यकीन करिए जब पेशेंट हमें बता रहा होता है हमारा सीना चौड़ा होता है कि मेरा पेशेंट ठीक हुआ। ग्रेट, जबरदस्त हो गया, देख के खुशी हो रही है, सुन के खुशी होती है। शाह साहब ने कमाल कर दिखाया, यानी बालों का प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा, कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये ऑयल आपने लगाना है और लगाते रहना है, और उसके बाद बस जादू ही जादू आप जादू ही जादू आप बाल देखिएगा, लोग आपसे पूछेंगे आप क्या चीज यूज कर रहे हैं जो इतने खूबसूरत बाल हो रहे हैं आप। एक्सेलेंट, क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच शाह साहब, एक और जबरदस्त से हमें टिप देने के लिए। हमारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम में आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि जिंदगी में आसानियां इस तरह भी हो सकती है, जो कि शाह साहब ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आइंदा भी बताते रहेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। ये कुछ पार्ट्स में मैं आपको करती जा रही हूँ वीडियोस, और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो जानने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, और मेरे चैनल पर आप देखिएगा शाह साहब और क्या अपना मैजिक दिखा रहे हैं। यूजुअली मैजिशियन जो होते हैं उनकी ट्रिक्स होती हैं, पर इनकी ट्रिक्स नहीं है, ये इनका काम है, ये इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये इनकी अपनी स्टडी है, ये नॉलेज है, ये तमाम चीजें जो आप तक पहुंचा रहे हैं शाह साहब और आसानी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।